हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कैफे तो जरूर गए होंगे। अब आप कह रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, आफ्टर ऑल आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है ही ऐसी। छोटी मोटी पार्टीज और फंक्शन के लिए हम कैफे हाउसेस जाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक थोड़े से अलग हट के कैफे में। जी हाँ, इस कैफे का नाम है गैराज कैफे। तो चलिए शुरू करते हैं सफर गैराज कैफे का। मसूरी लाइब्रेरी चौक से सीधा अंदर की तरफ जाते हुए आईटीबीपी से थोड़ा आगे जरा हट के ये है गैराज कैफे, आपको दिख जाएगा रास्ते पर ही। भाई कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम। ये कैफे बिल्कुल गैराज जैसा ही दिखता है। छोटी सी एक वैन है जिसके अंदर ये कैफे चलता है। वेल, आपको बता दें, जिस रास्ते पर ये गैराज कैफे मौजूद है उसी रास्ते से टूरिस्ट जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जाते हैं। तो यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट वाले रास्ते पर आपको यहाँ पे ये गैराज कैफे देखने को मिल जाएगा। मसूरी लाइब्रेरी चौक से नेक्स्ट आईटीबीपी के बाद ही ये गैराज कैफे यहाँ पर है। लेकिन इसके बाहर की लोकेशन देख कर आपको एकदम गैराज वाली फीलिंग आ जाएगी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर बैठ के आप नेचर को बखूबी ही एंजॉय कर सकते हैं। प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत हसीन वादियों में बसा हुआ है ये गैराज कैफे। आफ्टर ऑल एक अच्छी शुरुआत है। हैंडमेड पॉट्स हैं और साथ ही छोटा मोटा इधर उधर बिखरा हुआ गैराज का सामान ऐसे फैलाया गया है ताकि यहाँ पर बैठने वाले को फीलिंग आए कि वो गैराज में बैठ के अपना चाय नाश्ता कर रहा है ना ये मजेदार कॉन्सेप्ट। इसके सराउंड में यदि आप बैठेंगे तो आपको हल्का हल्का बॉलीवुड स्टाइल म्यूजिक आपके कानों में सुनाई देगा, जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा म्यूजिकल बनाता है। यहाँ की लोकेशन बहुत ही शानदार है। वहीं खाने में आपको मसाला चाय, स्प्रिंग रोल, नूडल्स और मोमोज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन खाने में सिर्फ आपको फास्ट फूड ही मिलने वाला है। जिंदगी में यदि चाहत हो तो आपको खुदा भी मिल जाता है, तो फिर क्या था। इस गैराज कैफे की शुरुआत हुई और अब बन चुका है ये एक स्पॉट। इस गैराज कैफे को यहीं पर रहने वाले एक स्थानीय युवक ने शुरू किया है। वेल, आपको बता दें, इन्होंने विदेश से नौकरी छोड़कर अपने घर पर ही इस गैराज कैफे की शुरुआत करी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पहाड़ों में ज्यादातर लोग दूसरी जगहों पर नौकरी करने के लिए जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर रहने वाले गौरव ने इस गैराज कैफे की शुरुआत करी और अब ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट बन चुका है। लोग यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स खाने के लिए आते हैं और हाँ, शेफ गौरव इस गैराज कैफे के नाम से भी जाने जाते हैं। वेल दोस्तों, यदि आप भी आना चाहते हैं इस गैराज कैफे में, तो मसूरी लाइब्रेरी चौक से ITBP से आगे स्ट्रेलिंग होटल से पहले ये गैराज कैफे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर आइए और यहाँ के नेचर ब्यूटी का आनंद उठाइए और आपको यहाँ पर आके ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट में आए हैं। जस्ट फील इट कि आप किसी गैराज में आए हैं और एंजॉय इट विद लिटिल बिट लाइट और स्मोकी म्यूजिक के साथ। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों, एंड हाँ, आप इस गैराज कैफे में ज़रूर आइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।